एक और गलती बच्चे बहुत करते हैं ड्यूरिंग इंटरव्यू, वो है नॉन प्रोफेशनल लैंग्वेज का यूज़ करना। इस पर एक रियल किस्सा सुनाता हूँ। हमारे एक दोस्त ने किसी खातून को भी रिकमेंड कर दिया था किसी ऑडिट वगैरह की पोजीशन में, कोई इंटरनल ऑडिट वगैरह में। तो वहाँ एक पूरा पैनल बैठ के, जिसमें दूसरे शहरों से भी लोग आए हुए थे, वो इंटरव्यू कंडक्ट कर रहे थे, तो उन्होंने उस लड़की से एक सवाल किया, बोला व्हाई यू वॉन्ट टू ज्वाइन ऑडिट। तो आपको पता है उस लड़की ने आगे से क्या जवाब दिया? बोला मेरे अंदर बचपन से एक ऑडिट का कीड़ा है, यानी मैं कीड़े निकालती हूँ। तो वो लोग सब हैरान हो गए एकदम, वो लोग सबके चेहरे अजीब हो गए, और उन्होंने उसको रिजेक्ट तो किया, बाद में मेरे फ्रेंड को भी फ़ोन करके बराबर बोला, बोला यार आपने क्या रिकमेंड कर दिया था। तो भाई आपने नॉन प्रोफेशनल लैंग्वेज यूज़ नहीं करनी। और वाकई अभी जो आजकल जो नेटफ्लिक्स वगैरह पे जो सीज़न लोग देख रहे होते हैं, उसमें बड़े एडवांस लेवल की लैंग्वेज यूज़ हो रही होती है, तो भाई उसका असर भी होता है। अच्छा इसी तरह भाई आप इंग्लिश नहीं बोल रहे तो उर्दू तो सही बोलो। अभी एक रिसेंट इंटरव्यू में एक बच्चे ने ऐसा बोला था, मेरे को ये जॉब चाहिए। तो उसने फ़ौरन से इंटरव्यूअर ने बोला व्हाट इज़ मेरे को, बोला मुझे चाहिए, तो लैंग्वेज सही यूज़ करें।